हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए ये सिंपल सा डॉली पैटर्न लेके आए हैं। ये पैटर्न बनाना बहुत आसान है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये 13 नंबर का हुक। इसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ की है ये सीजर जो धागा कट करने के लिए यूज़ होगी। इसके बाद हमने यहाँ पे 3 प्लाई का पतला सा ऊल यूज़ किया है येल्लो कलर में। इसके डायमीटर्स है अराउंड 14 इंच। 14 इंच का ये कंप्लीट डॉली पैटर्न है। तो चलो इस पैटर्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हम पैटर्न की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्लिप नॉट बुनेंगे इस तरह से। इसके बाद हम 11 चेन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चेन बुन लेने के बाद अभी हम यहाँ पे ये जो फर्स्ट चेन है इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। अभी हम इस रिंग से हुक को निकाल के यहाँ पे सेकेंड डबल क्रोशेट बुन लेंगे। सेम रिंग में हमें यहाँ पे थर्ड डबल क्रोशेट बुन लेना है। 4 5 6 7 8 9 टोटल हमें यहाँ पे 24 डबल क्रोशेट बुन लेने हैं और 24 इस तरह से हमने 24 डबल क्रोशेट बुन लिए हैं। इसके बाद हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो 3 चेन का डबल क्रोशेट बुना था इसके थर्ड चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। अभी हम सेम चेन के गैप में हम यहाँ पे सेकेंड डबल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे 2 चेन बुनेंगे। 2 चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चेन है इसको हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हुक को डाल के यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बुन लेंगे। 1 एंड सेम चेन में हम सेकेंड डबल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे 2 चेन बुनेंगे और ये जो नेक्स्ट चेन है इसको हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हुक को डाल के यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बुन लेंगे सेम चेन में। 1 एंड 2 फिर से 2 चेन और यहाँ पे फर्स्ट चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशेट बुनेंगे। 1 एंड सेम चेन के गैप में हम सेकेंड डबल क्रोशेट बुनेंगे इस तरह से। सेम यही पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट 3 चेन बुने थे डबल क्रोशेट के इसके थर्ड चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। इसके बाद हम यहाँ पे सेम चेन के गैप में हम यहाँ पे सेकेंड डबल क्रोशेट बुनेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे 1 चेन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बुनेंगे। 1 डबल क्रोशेट एंड सेम चेन के गैप में हमें यहाँ पे सेकेंड डबल क्रोशेट बुन लेना है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर के चेन में 2 डबल क्रोशेट, बीच में 1 चेन और नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर के चेन में हमने 2 डबल क्रोशेट बुन लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 2 चेन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चेन है डबल क्रोशेट के ऊपर की इसमें हम 2 डबल क्रोशेट बुनेंगे। 1 एंड 2 फिर
फिर से वन चैन, और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चैन है डबल क्रोशेट के ऊपर की, इसमें हम दो डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन एंड सेम चैन में उसको डाल के यहाँ पे सेकेंड वन, फिर से दो चैन, और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर की चैन है इसमें हम दो डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन एंड टू, फिर से वन चैन, और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चैन है इसमें हम दो डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन एंड टू, फिर से हम यहाँ पे टू चैन बुनेंगे, और ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर की चैन है इसमें हम दो डबल क्रोशेट, इसके बाद वन चैन, नेक्स्ट चैन में हुक को डाल के यहाँ पे हम दो डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन एंड टू। सेम यही पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो थ्री चैन का डबल क्रोशेट बुना था इसके थर्ड चैन में हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे, तो हमारा ये राउंड लॉक हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। अभी हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे, वन टू थ्री। थ्री चैन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चैन है इसमें हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे, वन टू थ्री। थ्री चैन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चैन है डबल क्रोशेट के ऊपर का, इसमें हम एक डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन, एंड नेक्स्ट चैन में हम हुक को डाल के एक डबल क्रोशेट बुनेंगे इस तरह से। तो हमारा पैच कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पे टू चैन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर की चैन है इसमें हम वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चैन वन डबल क्रोशेट, बीच में हमको थ्री चैन बुन लेना है और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चैन है इसमें हम वन डबल क्रोशेट एंड नेक्स्ट चैन वन डबल क्रोशेट इस तरह से। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे टू चैन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चैन वन डबल क्रोशेट, फिर से यहाँ पे हम थ्री चैन बुनेंगे, वन टू थ्री, और फिर से हम यहाँ पे ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर का चैन है इसमें हम डबल क्रोशेट एंड नेक्स्ट चैन वन डबल क्रोशेट, फिर से हम इसी तरह से सेम पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो थ्री चेन का डबल क्रोशेट बुना था इसके हम थर्ड चेन में हुक को डालेंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे, तो हमारा ये राउंड लॉक हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। नेक्स्ट चेन में हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे भी हम एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे जो कि हमारा थ्री चेन का गैप होगा। इसके बाद हम ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर के चेन में हम डबल क्रोशेट बुनेंगे और नेक्स्ट चेन के डबल क्रोशेट में हम डबल क्रोशेट बुनेंगे। तो हमारा पैच कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पे टू चैन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर के चैन में हम हुक को डालेंगे, यहाँ पे भी हम एक डबल क्रोशेट बुनेंगे, नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशेट बुनेंगे इस तरह से, फिर से थ्री चैन, वन टू थ्री। थ्री चैन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर के चैन में भी हम एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चैन डबल क्रोशेट, फिर से टू चैन। सेम यही पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है।
इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो थ्री चेन का डबल क्रोशेट बुना था, इसके हम थर्ड चेन में हुक को डालेंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारे ये राउंड लॉक हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे और ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम डबल क्रोशेट बुनेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे दो डबल क्रोशेट बुन लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फोर चेन बुनेंगे, 1 2 3 4। फोर चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर के चेन में हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे भी एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे। नेक्स्ट चेन में हुक को डाल के यहाँ पे भी हम एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे। तो हमारा पैच कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पे टू चेन का गैप लेंगे, तो 1 एंड 2 चेन बुन लिए हैं। इसके बाद ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर की चेन है इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे भी हम डबल क्रोशेट बुन लेंगे, नेक्स्ट चेन डबल क्रोशेट, और बीच में हम फोर चेन का गैप लेंगे, 1 2 3 एंड 4। फोर चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर के चेन में हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, 1 डबल क्रोशेट एंड नेक्स्ट चेन 1 डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से हमें ये पूरा पैटर्न रिपीट करके ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट के 2 चेन बुन लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमने 3 चेन का डबल क्रोशेट बुना था इसके थर्ड चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारा ये राउंड लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3। 3 चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम डबल क्रोशेट बुनेंगे और यहाँ पे हम 5 चेन बुनेंगे। यहाँ पे हमने 4 चेन बुने थे, यहाँ पे हम 5 चेन बुनेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर की चेन है इसमें हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, नेक्स्ट चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे भी हम डबल क्रोशेट बुन लेंगे। फिर से हम यहाँ पे 2 चेन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर के चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, नेक्स्ट चेन में हुक को डाल के हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, फिर से हम यहाँ पे 5 चेन बुनेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बुन लेने के बाद नेक्स्ट ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर के चेन में हम हुक को डालेंगे, यहाँ पे हम डबल क्रोशेट बुनेंगे और ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें भी हम डबल क्रोशेट बुनेंगे। इसी तरह से हमें आगे भी ये पैटर्न कंटिन्यू करना है और सेम पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट के 2 चेन बुन लिए हैं। इसके बाद हमने ये जो 3 चेन का डबल क्रोशेट बुना था इसके हम थर्ड चेन में हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमारा नेक्स्ट चेन है डबल क्रोशेट के ऊपर का इसमें हम हुक पे डाल के यहाँ पे भी हम एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरह से। तो टोटल हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बुन लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3। 3 चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो हमने 5 चेन बुने थे इसके थर्ड चेन में 1 2 3 थर्ड चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3। 3 चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम हुक को डाल के यहाँ पे हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन 1 डबल क्रोशेट। इस तरह से हमारा पैच दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पे 2 चेन बुनेंगे। 2 चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर की चेन है इसमें हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, नेक्स्ट चेन में हुक को डाल के यहाँ पे हम डबल क्रोशेट बुन लेंगे, फिर से हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे और ये जो 5 चेन है इसके थर्ड चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे हम डबल क्रोशेट बुन लेंगे, 1 डबल क्रोशेट एंड फिर से हम यहाँ पे
थ्री चेन बुनेंगे। इसके बाद फिर से ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम डबल क्रोशेट बुनते जाएंगे, वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन, वन डबल क्रोशेट, इस तरह से। तो हमारा पैच कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर से हम यहाँ पे टू चेन बुनेंगे और सेम हमने ये पैटर्न जिस तरह से बनाया था सेम पैटर्न हमें रिपीट करके ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट के टू चेन बुन लिए हैं और यहाँ पे ये जो थ्री चेन है इसके थर्ड चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे तो हमारा ये राउंड लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर के चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे भी हम एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे, वन टू थ्री। थ्री चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट बुना था हमने इसके ऊपर के चेन में हमें दो डबल क्रोशेट बुन लेने हैं, वन डबल क्रोशेट एंड सेम चेन के गैप में हमें सेकेंड डबल क्रोशेट बुन लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर के चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे भी हम एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे, वन डबल क्रोशेट एंड सेकेंड चेन में सेकेंड डबल क्रोशेट, इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे टू चेन बुनेंगे यहाँ पे और इसके बाद हम यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम डबल क्रोशेट बुनेंगे और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें भी हम डबल क्रोशेट बुनेंगे। फिर से हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे और ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर के चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे भी हम दो डबल क्रोशेट बुनेंगे, सेम चेन में हमें सेकेंड डबल क्रोशेट भी बुन लेना है और यहाँ पे हम फिर से थ्री चेन बुनेंगे। इसके बाद ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम डबल क्रोशेट बुनेंगे और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें भी हम एक डबल क्रोशेट बुनेंगे। फिर से हम यहाँ पे टू चेन बुनेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बुनते जाएंगे, वन एंड टू। तो इस तरह से हमने पैच बना लिया है। सेम यही पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट के टू चेन बुन लिए हैं और यहाँ पे ये जो थ्री चेन का डबल क्रोशेट है इसके थर्ड चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे तो हमारा ये राउंड लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। नेक्स्ट चेन में हुक को डाल के यहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे, वन टू थ्री। थ्री चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट के ऊपर की चेन है इसमें हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, सेम चेन में हम सेकेंड डबल क्रोशेट बुनेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे, वन टू एंड थ्री। थ्री चेन बुन लेने के बाद ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें भी हम डबल क्रोशेट बुनेंगे और सेम चेन में हम सेकेंड डबल क्रोशेट बुनेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे, वन टू थ्री। थ्री चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बुनते जाएंगे, वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन, वन डबल क्रोशेट, इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे टू चेन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन, वन डबल क्रोशेट, इस तरह से। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है फर्स्ट डबल क्रोशेट के चेन के ऊपर हम दो डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन डबल क्रोशेट एंड सेकेंड डबल क्रोशेट, और यहाँ पे हम थ्री चेन बुनेंगे, वन टू थ्री। थ्री चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें भी हम दो डबल क्रोशेट बुन लेंगे, वन एंड टू, और फिर से हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे, वन टू थ्री। थ्री चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम डबल क्रोशेट बुनेंगे,
इसके बाद हम यहाँ पे ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर भी हम एक डबल क्रोशेट बुनेंगे और यहाँ पे टू चैन बुनेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम डबल क्रोशेट बुनेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट। यहाँ पे जिस तरह से हमने बुना था सेम पैच हमें यहाँ पे भी बुन लेना है और सेम पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट के दो चैन बुन लिए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे ये जो थ्री चैन बुने थे इसके थर्ड चैन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे तो हमारा ये राउंड लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। नेक्स्ट चैन के गैप में हम हुक को डाल के यहाँ पे हम सेकंड डबल क्रोशेट बुनेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो हमने डबल क्रोशेट बुने थे इसके ऊपर हम हुक को डाल के यहाँ पे वन डबल क्रोशेट एंड नेक्स्ट चैन में वन डबल क्रोशेट इस तरह से बुन लेंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे, वन टू थ्री। थ्री चैन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर के चैन में हम हुक को डाल के यहाँ पे डबल क्रोशेट बुन लेंगे और नेक्स्ट चैन में हम हुक को डाल के यहाँ पे भी डबल क्रोशेट बुन लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे, वन टू एंड थ्री। थ्री चैन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर के चैन में हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चैन, वन डबल क्रोशेट इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे टू चैन बुनेंगे, वन टू। टू चैन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर भी हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चैन, वन डबल क्रोशेट। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे। ये थ्री चैन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर के चैन में हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे भी हम एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे, नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशेट बुनेंगे और यहाँ पे हम फिर से थ्री चैन बुनेंगे। थ्री चैन बुन लेने के बाद फिर से ये जो नेक्स्ट चैन है इसमें हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे भी हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, नेक्स्ट चैन में हुक को डाल के यहाँ पे डबल क्रोशेट बुन लेंगे। फिर से हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे। थ्री चैन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चैन, वन डबल क्रोशेट इस तरह से। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे टू चैन बुनेंगे। सेम हमने यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न बनाया था सेम पैटर्न हमें यहाँ रिपीट करना है और ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट के टू चैन बुन लिए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे ये जो थ्री चैन का डबल क्रोशेट बुना था इसके थर्ड चैन में हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे तो हमारा ये राउंड लॉक हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। नेक्स्ट चैन में हुक को डाल के हम यहाँ पे सेकेंड डबल क्रोशेट बुन लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे, वन टू थ्री। थ्री चैन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन डबल क्रोशेट एंड नेक्स्ट चैन में वन डबल क्रोशेट। अभी हमने यहाँ पे पहले थ्री चैन बुने थे, अभी हम यहाँ पे फोर चैन बुनेंगे, वन टू थ्री फोर। फोर चैन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे हम वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चैन, वन डबल क्रोशेट इस तरह से बुन लेंगे और यहाँ पे फिर से हम थ्री चैन बुनेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बुनते जाएंगे, वन डबल क्रोशेट एंड नेक्स्ट चैन वन डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमने ये पैच बुन लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से टू चैन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इनके ऊपर के चैन में वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चैन, वन डबल क्रोशेट इस तरह से हम बुन लेंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे। थ्री चैन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है
इनमें हम 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन 1 डबल क्रोशेट, फिर से हम यहाँ पे 4 चेन बुनेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बुन लेने के बाद फिर से यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर के चेन में हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन 1 डबल क्रोशेट, इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बुनेंगे, फर्स्ट चेन 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन 1 डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन। जिस तरह से हमने यहाँ पे बुना था सेम पैटर्न हमें यहाँ पे भी रिपीट करना है और हमारा पैच कुछ इस तरह से दिखेगा। सेम पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट के 2 चेन बुन लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो 3 चेन का डबल क्रोशेट बुना था इसके 3rd चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे तो हमारा ये राउंड लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। इसके बाद ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर के चेन में हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर के चेन में हम डबल क्रोशेट बुनेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे पहले हमने 4 चेन बुने थे, अभी हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे इस तरह से। और यहाँ पे ये जो 2 डबल क्रोशेट है इनके ऊपर भी हम एक एक डबल क्रोशेट बुनते जाएंगे, 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन 1 डबल क्रोशेट। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3, 3 चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर भी हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, फर्स्ट चेन 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन 1 डबल क्रोशेट। तो हमारा पैच कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पे 5 चेन बुनेंगे। यहाँ पे पहले हमने 2 चेन बुने थे, अभी हम यहाँ पे 5 चेन बुनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बुनते जाएंगे, 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन 1 डबल क्रोशेट, इस तरह से। तो हमारा पैच कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3, 3 चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, फर्स्ट चेन 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन 1 डबल क्रोशेट। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन 1 डबल क्रोशेट, इस तरह से। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3, 3 चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो 2 डबल क्रोशेट है इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बुनते जाएंगे, 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन 1 डबल क्रोशेट। और यहाँ पे हमने पहले की लाइन में 2 चेन बुने थे, अभी हमें यहाँ पे 5 चेन बुनना है, 1 2 3 4 5, टोटल हमने यहाँ पे 5 चेन बुन लिए हैं और यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम डबल क्रोशेट बुनते जाएंगे, 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन 1 डबल क्रोशेट। इस तरह से हमें ये पूरा पैटर्न रिपीट करके ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट के 5 चेन बुन लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमने 3 चेन का डबल क्रोशेट बुना था इसके 3rd चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे तो हमारा ये राउंड लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें भी हम हुक को डाल के यहाँ पे एक और डबल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3, 3 चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन 1 डबल क्रोशेट, इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे
टू चैन बुनेंगे, और यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम दो डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन डबल क्रोशेट एंड नेक्स्ट चैन वन डबल क्रोशेट, इस तरह से। तो हमारा पैच कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे, वन टू थ्री, थ्री चैन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर भी हम एक एक डबल क्रोशेट बुनते जाएंगे, वन डबल क्रोशेट एंड नेक्स्ट चैन वन डबल क्रोशेट। तो हमारा इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे, वन टू थ्री, थ्री चैन बुन लेने के बाद यहाँ पे हमने फाइव चैन बुने थे, इसमें हम पहले यहाँ पे हम दो लूप लेंगे, और यहाँ पे ये जो हमने फाइव चैन बुने थे इसके थर्ड चैन में वन टू थ्री, थर्ड चैन में हम हुक को डाल के यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशेट बुनेंगे, पहले दो से हुक को निकालेंगे, फिर दो लूप से हुक को निकालेंगे, और फिर दो लूप से हुक को निकालेंगे, फिर से हम यहाँ पे दो लूप लेंगे, सेम उसी चैन में हम हुक को डाल के यहाँ पे सेकेंड ट्रिपल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरह से, और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे दो लूप लेंगे और यहाँ पे थर्ड ट्रिपल क्रोशेट बुन लेंगे। तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे, वन टू थ्री, थ्री चैन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बुनते जाएंगे, फर्स्ट चैन फर्स्ट डबल क्रोशेट एंड सेकंड चैन नेक्स्ट डबल क्रोशेट, इस तरह से हमने ये पैच बुन लिया है। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे, वन टू थ्री, थ्री चैन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन डबल क्रोशेट नेक्स्ट चैन वन डबल क्रोशेट। इसके बाद हम यहाँ पे टू चैन बुनेंगे, और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट दो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बुनते जाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से थ्री चैन बुनेंगे, थ्री चैन बुन लेने के बाद ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन डबल क्रोशेट नेक्स्ट चैन वन डबल क्रोशेट, इस तरह से। और यहाँ पे हम फिर से थ्री चैन बुन के यहाँ पे दो लूप लेंगे, और यहाँ पे ये जो फाइव चैन है इसके थर्ड चैन में वन टू थ्री, थर्ड चैन में हम हुक को डाल के यहाँ पे ट्रिपल क्रोशेट बुन लेंगे, वन ट्रिपल क्रोशेट, सेम चैन में सेकंड ट्रिपल क्रोशेट एंड सेम चैन में थर्ड ट्रिपल क्रोशेट। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे, और यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन डबल क्रोशेट एंड नेक्स्ट चैन वन डबल क्रोशेट, इस तरह से। तो हमारा पूरा पैच कुछ इस तरह से दिखेगा। सेम यही पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट के थ्री चैन बुन लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमने थ्री चैन का डबल क्रोशेट बुना था इसके थर्ड चैन में हुक को डाल के यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे, तो हमारा ये राउंड लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा, नेक्स्ट चैन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे, और यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है फोर डबल क्रोशेट, वन टू और ये वन टू, ये फोर डबल क्रोशेट के ऊपर हमें हाफ डबल क्रोशेट बुन लेना है। तो सबसे पहले फर्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर के चैन में हम हाफ डबल क्रोशेट बुनेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैन में हुक को डाल के हम हाफ डबल क्रोशेट बुन लेंगे। इसके बाद ये जो दो चैन का गैप है इसको हम स्किप कर देंगे, और यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशेट बुन लेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट चैन में हम हुक को डाल के यहाँ पे भी हम हाफ डबल क्रोशेट बुन लेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे फोर हाफ डबल क्रोशेट बुन लिए हैं। अभी हम यहाँ पे ये जो फाइव लूप है इनमें हुक को डाल के इनको एक साथ कर लेंगे इस तरह से, और फिर से हम यहाँ पे थ्री चैन बुन लेंगे।
थ्री चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन, वन डबल क्रोशेट। तो हमारा पैच कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे, वन टू थ्री। थ्री चेन बुन लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे दो लूप लेंगे और यहाँ पे ये जो ट्रिपल क्रोशेट है इसके फर्स्ट चेन में हम थ्री ट्रिपल क्रोशेट बुनेंगे, वन ट्रिपल क्रोशेट, सेम चेन में सेकंड ट्रिपल क्रोशेट और सेम चेन में हम यहाँ पे थर्ड ट्रिपल क्रोशेट बुनेंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे सेकंड जो चेन है इसमें हम थ्री ट्रिपल क्रोशेट बुनेंगे, वन ट्रिपल क्रोशेट, सेम चेन, सेकंड ट्रिपल क्रोशेट, सेम चेन, थर्ड ट्रिपल क्रोशेट। इसके बाद फिर से हम ये जो लास्ट वाला चेन है इसमें हम थ्री ट्रिपल क्रोशेट बुनेंगे, वन, सेम चेन में सेकंड एंड सेम चेन में हमें यहाँ पे थर्ड ट्रिपल क्रोशेट बुन देना है इस तरह से। तो टोटल हमने यहाँ पे नाइन ट्रिपल क्रोशेट बुन लिए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। नाइन ट्रिपल क्रोशेट बुन लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे और थ्री चेन। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर डबल क्रोशेट बुनते जाएंगे, वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन, वन डबल क्रोशेट इस तरह से। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे, थ्री चेन बुन लेने के बाद ये जो हमारे चार डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम हाफ डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन हाफ डबल क्रोशेट, सेकेंड हाफ डबल क्रोशेट, थर्ड ये वाला दो चेन स्किप करेंगे और ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर थर्ड हाफ डबल क्रोशेट और नेक्स्ट चेन में फोर्थ हाफ डबल क्रोशेट। इसके बाद इन पांचों लूप को हम एक साथ कर लेंगे, फिर से हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन, वन डबल क्रोशेट। फिर से हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो ट्रिपल क्रोशेट है इनके हर एक ट्रिपल क्रोशेट के ऊपर तीन तीन ट्रिपल क्रोशेट बुनेंगे। तो सबसे पहले वन ट्रिपल क्रोशेट, सेम चेन, सेकंड ट्रिपल क्रोशेट, सेम चेन, थर्ड ट्रिपल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन, फोर्थ ट्रिपल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन, फिफ्थ ट्रिपल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन, सिक्स ट्रिपल क्रोशेट और थर्ड चेन में हम सेवन, सेम चेन एट और यहाँ पे सेम चेन में हम नाइन्थ वाला ट्रिपल क्रोशेट बुन लेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे नाइन ट्रिपल क्रोशेट बुन लिए हैं। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे और ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बुनते जाएंगे, वन डबल क्रोशेट एंड नेक्स्ट चेन, वन डबल क्रोशेट। तो सेम यही पैटर्न हमें रिपीट करके ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट के थ्री चेन बुन लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमने थ्री चेन का डबल क्रोशेट बुना था इसके थर्ड चेन में ऊपर डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे तो हमारा ये राउंड लॉक हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट होगा। नेक्स्ट चेन में हुक को डाल के यहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे टू चेन बुनेंगे। टू चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो हमने हाफ डबल क्रोशेट बुने थे इसके ऊपर के चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बुन लेंगे और यहाँ पे फिर से टू चेन बुन लेंगे। टू चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बुनते जाएंगे, वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन, वन डबल क्रोशेट। तो हमारा पैच कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे, वन टू थ्री। थ्री चेन बुन लेने के बाद अभी हम फिर से टू लूप लेंगे और ये जो
ट्रिपल क्रोशेट के ऊपर की चैन है, इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशेट बुन लेंगे। इसके बाद वन चैन का गैप लेंगे, फिर से हम यहाँ पे दो लूप लेके नेक्स्ट चैन में हम ट्रिपल क्रोशेट बुन लेंगे, फिर से हम वन चैन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चैन है इसमें हम ट्रिपल क्रोशेट बुनेंगे, फिर से वन चैन, नेक्स्ट चैन में ट्रिपल क्रोशेट, वन चैन, नेक्स्ट चैन में ट्रिपल क्रोशेट, फिर से वन चैन, नेक्स्ट चैन में ट्रिपल क्रोशेट, फिर से वन चैन, नेक्स्ट चैन में ट्रिपल क्रोशेट, फिर से वन चैन, नेक्स्ट चैन में ट्रिपल क्रोशेट, फिर से वन चैन और लास्ट चैन में भी हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशेट बुन लेंगे। तो हमारा पैच कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे, वन टू थ्री। थ्री चैन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चैन, वन डबल क्रोशेट, इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे टू चैन बुनेंगे, टू चैन बुन लेने के बाद यहाँ पे हम डबल क्रोशेट बुनेंगे जो हमारे हाफ डबल क्रोशेट के ऊपर होगा, फिर से हम यहाँ पे दो चैन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट दो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम डबल क्रोशेट बुनेंगे इस तरह से, फिर से थ्री चैन और फिर से ये जो ट्रिपल क्रोशेट है इनके ऊपर हम ट्रिपल क्रोशेट बुनेंगे और बीच में वन चैन का गैप लेंगे, वन चैन, नेक्स्ट चैन में ट्रिपल क्रोशेट, 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 वन चैन और ये जो नेक्स्ट चैन है इसमें हम ट्रिपल क्रोशेट। तो हमारा पैच कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से थ्री चैन बुनेंगे, वन टू थ्री, और यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चैन, वन डबल क्रोशेट। तो सेम यही पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट के थ्री चैन बुन लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमने थ्री चैन का डबल क्रोशेट बुना था इसके थर्ड चैन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे तो हमारा ये राउंड लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे टू चैन बुनेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट चैन में हुक को डाल के यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशेट बुन देंगे। इसके बाद हम ये पूरा पैटर्न स्किप करेंगे और ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इनके ऊपर के चैन में हम ऊपर डाल के यहाँ पे भी हम हाफ डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चैन में हम हाफ डबल क्रोशेट बुन देंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे फोर हाफ डबल क्रोशेट बुन लिए हैं। अभी हम इनको एक साथ कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चैन बुनेंगे, वन टू थ्री। थ्री चैन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो ट्रिपल क्रोशेट है इसके ऊपर के चैन में हम एक ट्रिपल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे फोर चैन बुनेंगे, वन टू थ्री फोर। फोर चैन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो थर्ड चैन है, वन टू थ्री, ये जो थर्ड चैन है इसमें हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे वन चैन बुनेंगे और ये जो नेक्स्ट
ट्रिपल क्रोशेट है, इसके ऊपर के चेन में हम एक ट्रिपल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे फोर चेन बुनेंगे, 1 2 3 4, और थर्ड चेन में हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे वन चेन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशेट है इसके ऊपर के चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे ट्रिपल क्रोशेट बुन लेंगे। फिर से हम यहाँ पे फोर चेन बुनेंगे और ये जो थर्ड चेन है इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे वन चेन बुनेंगे और ये जो नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशेट है इसके ऊपर के चेन में हम ट्रिपल क्रोशेट बुनेंगे। फिर से हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे और वन चेन फोर चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो थर्ड चेन है इसमें हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से वन चेन और नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशेट के ऊपर हम ट्रिपल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे फोर चेन बुनेंगे, 1 2 3 4, फोर चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो थर्ड चेन है इसमें हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद वन चेन बुनेंगे और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशेट है इसके ऊपर के चेन में हम ट्रिपल क्रोशेट बुनेंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे थ्री चेन वन चेन फोर चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो थर्ड चेन है इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच कर देने के बाद यहाँ पे वन चेन बुनेंगे और फिर से दो लूप लेके यहाँ पे ट्रिपल क्रोशेट के ऊपर हम ट्रिपल क्रोशेट बुन लेंगे। फिर से फोर चेन, 1 2 3 4, फोर चेन बुन लेने के बाद थर्ड चेन में हम पीछे वाले थर्ड चेन में हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से वन चेन और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशेट के ऊपर ट्रिपल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरह से। के बाद फिर से हम यहाँ पे फोर चेन बुनेंगे, 1 2 3 4, फोर चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो थर्ड चेन है इसमें हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे वन चेन बुनेंगे, यहाँ पे ये जो हमने ट्रिपल क्रोशेट बुना था इसके ऊपर के चेन में हम हुक को डाल के यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशेट बुन लेंगे इस तरह से। तो हमारा पैच कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे, 1 2 3, थ्री चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो फोर डबल क्रोशेट है, 1 2 3 4, इसमें हमें हाफ डबल क्रोशेट बुन लेना है। तो सबसे पहले फर्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर वन हाफ डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन में सेकंड हाफ, यहाँ पे हमें ये पैच स्किप कर देना है और ये जो नेक्स्ट चेन है डबल क्रोशेट के ऊपर की इसमें हम हुक को डाल के हाफ डबल क्रोशेट और यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशेट इस तरह से बुन लेंगे और यहाँ पे हम इसको एक साथ कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे, 1 2 एंड 3, थ्री चेन बुन लेने के बाद अभी हम यहाँ पे दो लूप लेंगे और ये जो नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशेट है इसके ऊपर हम ट्रिपल क्रोशेट बुनेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, फोर चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो थर्ड चेन है इसमें हम हुक को डाल के यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से वन चेन और फिर से दो लूप लेके नेक्स्ट चेन में हम ट्रिपल क्रोशेट बुनेंगे। फिर से फोर चेन, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी हम थर्ड चेन में हुक को डाल के यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से वन चेन और नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशेट के ऊपर के चेन पे हम ट्रिपल क्रोशेट बुन लेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया था सेम हम यहाँ पे भी बना लेंगे। तो सेम पैच हमने यहाँ पे भी बुन लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे, 1 2 3, थ्री चेन बुन लेने के बाद यहाँ पे ये जो
फोर डबल क्रोशेट है, वन टू, ये वाला डबल क्रोशेट हम स्किप करेंगे और इसके बाद वाला जो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम हाफ डबल क्रोशेट बुनेंगे, वन हाफ डबल क्रोशेट, सेकेंड हाफ डबल क्रोशेट, यहाँ पे हम थर्ड हाफ डबल क्रोशेट और यहाँ पे फोर्थ हाफ डबल क्रोशेट, इस तरह से हमने बुन लिया है। इनको हम एक साथ कर लेंगे और फिर से हम यहाँ पे थ्री चेन बुनेंगे। सेम यही पैटर्न रिपीट करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इस राउंड को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमने लास्ट के थ्री चेन बुन लिए हैं। अभी हमने यहाँ पे ये जो फर्स्ट चेन बुनी थी इसमें हम हुक को डालेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से और यहाँ पे हम वन चेन बुन के यहाँ पे धागे को इस तरह से खींच लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे वन कट लगा देंगे इस तरह से और यहाँ पे धागे को खींच के हम यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। इस तरह से हमने ये पूरा पैटर्न कंप्लीट कर दिया है। ये बनाना बहुत आसान है। अगर ये पैटर्न आपको इजी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।